यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्यों पर मोहर लगेगी। सीएम योगी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इसके साथ ही तमाम बड़े नेता दिल्ली जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं और आरएसएस के बीच यूपी में बीजेपी की नई सरकार के गठन को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर ये कि बेबी रानी मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, असीम अरुण, राजेश्वर सिंह मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को दिल्ली पहुंच रहे हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता रजत सिन्हा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजत, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि कल का दिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे, उम्मीद की जा सकती है कि गवर्नमेंट का जो एक फॉर्मेट है, यानी कि जो फॉर्मूला है, वो निकलकर सामने आएगा। किस तरह की तैयारियां हैं और क्या माना जाए कब तक शपथ ग्रहण समारोह? देखिए, अगर तैयारियों की बात करूं तो जिस तरीके से 10 मार्च को रिजल्ट आता है, 11 मार्च यानी कल मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाते हैं और शाम को वो राजभवन पहुंच जाते हैं अपनी सरकार का इस्तीफा देने के लिए। और जो राज्यपाल अनुसूचित पटेल है वो उन्हें कहती है कि उनका इस्तीफा स्वीकार करती है, उनका पूरी कैबिनेट पर कहती है कि अगली सरकार बनने तक केयरटेकर के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में वो काम करते रहे। अगर मैं आज सुबह से गतिविधियों की बात करूं, संदेश क्या रही, तो मुख्यमंत्री अपने 5 मरीजार सरकारी आवास से वहां पर निर्वाचित विधायकों से मिलते हैं। अब बात कल की, जिस तरीके से पार्टी सूत्रों से जानकारी मिल रही कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 8 बजे हिंडन पहुंचेंगे, वहां से वो दिल्ली पहुंचेंगे। उसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष संजय सिंह वो मौजूद रहेंगे, जो मायावती संगठन में सुनील बंसल वो रहेंगे। और इस बात की भी जानकारी मिली कि दोनों डिप्टी सीएम प्रसाद कुमार मौर्य और डॉक्टर प्रदेश सरकार के साथ होंगे। कल उनकी जो है, जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, उनसे मुलाकात होगी और सब आगे की रूपरेखा तय होगी कि उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल कैसा होगा, शपथ ग्रहण कब होगा, कौन कौन लोग शामिल होंगे। लेकिन जो पार्टी की बता रहे रजत, लेकिन रजत, चूंकि हमने 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला पिछली सरकार में देखा था, क्या इस बार भी वही फॉर्मूला हमें देखने को मिलेगा? देखिए, निश्चित जो जानकारी आ रही है, ये दोनों डिप्टी सीएम का फॉर्मूला योगी की सरकार में देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो आने वाले कुछ दिनों में पता लगेगा। तो पार्टी के अंदर सारी से जानकारी आ रही है, इस बार भी दोनों डिप्टी सीएम होंगे, दो जानी होंगे योगी पार्टी की सरकार में भी। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए हैं और उनका जो विधान परिषद का कार्यकाल है वो भी 2022 तक है, क्या योगी मंत्रिमंडल के पार्टी में, पार्टी सरकार में केशव मौर्य को जगह मिलती है, उसका वो पद बरकरार रहता है, ये निर्णय भी केंद्रीय आला कमान को लेना है, केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। इसके साथ ही साथ विधानसभा जो दूसरी स्थिति है उसको लेकर के भी क्या फैसला होगा, केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। लेकिन ये बात जरूर है कि कई नाम उभर कर सामने आ रहे हैं कि जिस हम उसके पद पर देवी रानी मौर्य जो उत्तराखंड की राज्यपाल रही है और अपना ग्रामीण से जीत कर आई है, उनका नाम प्रमुखता से चल रहा है। इनके साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनका नाम लिया जा रहा है कि वो कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं, जिसके अंदर कानून मंत्री सरकार में रहे हैं, उनका नाम भी प्रमुखता से सामने आ रहा है। मंत्रिमंडल के मेलों की बात करें तो जानकारी आ रही कि कई पुराने मंत्री योगी पाटवन में थे और सुषमा जिस तरह है वो योगी पाटवन सरकार में भी शामिल हो गए। उनमें कुछ प्रमुख चेहरों की मैं बात करूं तो ब्रजेश पाठक उसमें शामिल होंगे, प्रसाद सिंह शामिल होंगे, कामरे चंद्रोत्सव शामिल होंगे, और जिस तमाम चेहरे हैं जो शामिल नए चेहरों में तमाम चेहरों को मौका मिलने की संभावना है। इस तरीके से आईपीएस से जी वो चुनाव जीते हैं तमाम सदस्य से उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, ईडी से 11 से राजेश्वर सिंह जो लखनऊ की पोलिटिकल सीट से राज्यपाल चुनाव जीते हैं
उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। गया शिक्षक सिंह का नाम भी प्रमुख लिया जा रहा है, जो बढ़िया बिल्कुल रजत बहुत महत्वपूर्ण होगा, जो कि असीम अरुण राजेश्वर सिंह जो कि कभी अधिकारी के तौर पर काम करते आए हैं, आखिरकार क्या वो भी कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। बने रहिए रजत हमारे साथ, जो कि लगातार कैबिनेट के गठन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज चुनाव में नव निर्वाचित विधायकों के साथ सरकारी निवास पर यानी कि 5 कालिदास मार्ग पर मुलाकात की है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल वहां मौजूद रहे। यूपी में नई सरकार बनाने के लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। होली के बाद नए सरकार के शपथ ग्रहण का समारोह हो सकता है। इसके साथ ही 13 मार्च को योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इससे पहले शुक्रवार उन्होंने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने पूर्ण बहुमत के साथ शानदार जीत दर्ज कराई है। एक बार फिर हम रजत पर करते हैं। रजत, चूंकि सरकार के गठन को लेकर लगातार कवायद तेज, बहुत तेजी से अपडेट भी हो रहा है, अभी आपके पास ताजा जानकारी क्या है, आज किस तरह की हलचल रही लखनऊ में? देखिए, आज सुबह से अगर हलचल की बात करूं तो आज सुबह से मुख्यमंत्री अपने 5 कालिदास आवास, सरकारी आवास है वहां पर मौजूद थे और नव निर्वाचित विधायकों से उनके मिलने का सिलसिला कह सकते हैं कि दोपहर तक जारी रहा। भारतीय जनता पार्टी के अगर पुराने और नए मिला लें तो 255 विधायक चुनाव जीत कर आए हैं। हालांकि अगर सहयोग दलों की संख्या को मिला लिया जाए तो ये 275 होती है। इसके बाद का जो कार्यक्रम है कि मुख्यमंत्री आवास पर जो उत्तर प्रदेश के शीर्ष नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ बैठकों का सिलसिला चल रहा है और कल मुख्यमंत्री सुबह हिंडन पहुंचेंगे। सुबह 8 बजे उनकी लखनऊ से रवानगी है और 8 बजे यहाँ से निकलेंगे और हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से दिल्ली जाएंगे। उनके साथ जो लोग होंगे, जो जानकारी मिल रही है कि प्रदेश महामंत्री संतर सुरेश बंसल उनके साथ होंगे, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह होंगे और दोनों डिप्टी सीएमओ की भी मौजूद रहने की संभावना है, केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा की। ये सारे लोग बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से सबसे पहले मुलाकात करेंगे और उसके बाद ये शीर्ष नजर से मुलाकात का क्रम जारी रहेगा और उसके बाद आगे की रणनीति बनेगी कि उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल कैसा होगा, किन किन लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा, कौन से पुराने चेहरे होंगे जो पिछले योगी पार्ट 1 सरकार में थे वो योगी पार्ट 2 में होंगे और किन नए चोरों को मौका दिया जाएगा। इन सारी रणनीति पर चर्चा होगी और निश्चित ही इसमें समय लगेगा, इसीलिए पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि जो शपथ ग्रहण समारोह होगा वो होली के बाद होने की संभावना है, क्योंकि पहले मंत्रिमंडल तय हो जाएगा, फिर लखनऊ में विधानमंडल दल की, भारतीय जनता पार्टी की विधानमंडल दल की बैठक होगी जिसमें योगी आदित्यनाथ को विधानमंडल दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद वो राज्यपाल के पास जाएंगे और सरकार बनाने का दावा करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें समय लग सकता है, इसलिए जो पार्टी के सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि जो मंत्री शपथ ग्रहण समारोह होगा वो होली के बाद हो सकता है। जी रजत, एक चीज आपसे और समझना चाहेंगे, जो कि केशव प्रसाद मौर्य जो पिछली सरकार में डिप्टी सीएम थे, इस बार वो चुनाव हार गए हैं तो क्या उनका रिप्लेसमेंट ढूंढा जाएगा? और दूसरा ये कि अगर वो भी दिल्ली जा रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ तो ये संकेत क्या देता है? और साथ ही ये सवाल भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, निषाद पार्टी ने बहुत बेहतरीन इस बार परफॉर्मेंस दी है, इसके साथ अपना दल ने 2017 के मुकाबले और भी अच्छा प्रदर्शन किया है, तो क्या दोनों सहयोगी पार्टियों को भी यहाँ पर कैबिनेट में उनकी हिस्सेदारी बढ़ती हुई नजर आएगी? देखिए, निश्चित ही अगर आप 2017 को देखें जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार में पहली बार आई थी, उस समय भी अपना दल उनकी सहयोगी पार्टी थी और अपना दल से लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, कहीं ना कहीं उनको जगह मिली थी। जेल राज्य मंत्री थे जयसिंह जैकी, जो अपना दल से आते हैं, उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला था। इसी तरीके से केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी अपना दल को जगह मिली। अब जिस तरीके से 2022 में अलायंस हुआ है निषाद पार्टी का और अपना दल का भारतीय जनता पार्टी का, तो इस बात की पूरी संभावना है कि निषाद पार्टी को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, अपना दल के कुछ लोगों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। जहां तक आपका दूसरा सवाल है, जैसा कि मुझे भी जानकारी पार्टी सूत्रों से मिल रही है कि दोनों डिप्टी सीएम कल दिल्ली में होंगे, संकेत इस बात का है निश्चित है कि तो मिलने मिलाने का क्रम जारी रहता है और अपनी बात रखने का क्रम भी शीर्ष नेताओं के बीच जारी रहेगा। तो इस पर फैसला केंद्रीय नेतृत्व को लेना है कि केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हारे हैं, वो दोबारा योगी सरकार की पार्ट 2 सरकार में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, या उन्हें नया क्या दायित्व दिया जाएगा, ये कुछ आने वाले समय में ही पता लगेगा। लेकिन फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता माने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक ओबीसी का बड़ा चेहरा है और तमाम उन्होंने जनसभाएं की हैं, प्रचार किया है चुनाव के दौरान और तमाम जगहों पर उनकी वजह से कहा जा सकता है या पार्टी के बहुबल की वजह से
प्रत्याशी भी जीते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके कद्दावर भी ध्यान पार्टी रखेगी और उसके मुताबिक कोई निर्णय होगा, ऐसा पार्टी के सूत्र कह रहे हैं। शुक्रिया रजत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज करने के बाद अब बीजेपी ने सरकार गठन की तैयारी शुरू कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। सीएम योगी ने औपचारिक तौर पर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। चुनाव नतीजों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। वहीं बाद में सरकार बनाने का दावा भी वो पेश करेंगे। इसके साथ ही नई सरकार बनाने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। राज्यपाल से मुलाकात करने से पहले सीएम योगी ने अपने कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता भी की। इसके बाद वो सीधे राजभवन के लिए रवाना हुए। बीजेपी सरकार के सत्ता में वापसी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इससे पहले कैबिनेट की अंतिम बैठक हुई। 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद ये पहली बैठक हुई। इस बैठक में दिनेश शर्मा, ब्रजेश पाठक, लालजी टंडन, अनिल राजभर समेत तमाम मंत्री शामिल रहे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शुक्रवार को राजभवन में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयोग अजय कुमार शुक्ला और अन्य अधिकारियों ने भेंट की। अजय कुमार शुक्ला ने राज्यपाल को नव निर्वाचित सदस्यों की लिस्ट पेश की। इसमें यूपी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के संपन्न हो जाने के बाद 11 मार्च को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 73 के अंतर्गत यूपी की नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना साथ ही सभी 403 नव निर्वाचित सदस्यों की सूची प्रस्तुत हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयोग के निर्देश के मुताबिक नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी होने के बाद लागू आदर्श आचार संहिता का प्रावधान समाप्त हो जाता है। साथ ही राज्यपाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने की बधाई दी।